ये ना एनसीईआरटी में बहुत आता है, ये एनसीईआरटी में बहुत आता है, प्रूव करने को भी आता है वैसे ये। तो टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं, हम दो कैपेसिटर्स लेंगे, एक के ऊपर एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे C1, दूसरा भी चार्ज कैपेसिटर लेंगे C2। ठीक है, अभी हम उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे। जब हम उन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनके पास इंडिविजुअल एनर्जीज होंगी, जैसे पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे के पास क्या होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। मान लो पहला कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बाय V1 और दूसरे को चार्ज किया बाय V2, तो ये उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, तो E1 आ गया। अब मैंने क्या किया, उन दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ। तो चार्ज क्या होगा, शेयर, एंड दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में आते ही दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इन पैरेलल। पैरेलल जब आप दो चार्ज बॉडीज को टच करते हो ना, टच करते हो, स्पार्किंग होती है, होती होती है, बैटरी को, बैटरी चार्ज, बैटरी को वायर लगा के देखो उसमें स्पार्किंग होगी। तो ऐसे केस में कुछ एनर्जी शेयरिंग में लॉस हो जाती है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और ये एक्सप्रेशन आपको बताता है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो शेयरिंग के अंदर जो एनर्जी लॉस है, शेयरिंग का मतलब जो दो अलग अलग कैपेसिटर्स थे और अब मैंने क्या किया, उन्हें कनेक्ट किया एंड दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में होते ही उनकी नई एनर्जी क्या हुई, दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। तो यहां पर क्या आ गया, सीपी। सीपी क्या होगा, C1 प्लस C2, एंड दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, वी कितना होगा, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। अब दोनों कॉम्बिनेशन आफ्टर कनेक्टिंग नई एनर्जी क्या देंगे, V यहां पुट कर लें, CP को यहां पुट कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैंने यहां पर CP की जगह क्या पुट कर लिया, CP की जगह पुट कर लिया C1 प्लस C2 और V की जगह ये पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो जब दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड नहीं थे तो ये एनर्जी थी, जब वो कनेक्टेड हो गए तो ये एनर्जी आ गई। अब क्योंकि मैं लॉस की बात कर रहा हूं तो मेरे को इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करना चाहिए। तो लॉस का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है। तो अगर पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है और अगर मैं इन्हें माइनस करूं तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक, अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, मैं फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को भी माइनस कर सकता हूं, कैसे भी करो, पर आपको यह समझ में आना चाहिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी। तो ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी है, ये मेरे पास फाइनल एनर्जी है, तो मैंने क्या किया, लॉस निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस। क्लियर है यहां तक? तो E2 ये पूरे का पूरा क्या है, E2, और ये पूरे का पूरा क्या है, E1। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना तो मैंने गलती से E2 की जगह क्या पुट कर दिया, E1। ये देखो E2 की जगह पुट करना था E2, पर मैंने क्या पुट कर दिया, E1, और फिर E1 की जगह क्या पुट कर दिया, E2। अब मेरा जो आंसर माइनस करने पे आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, अब वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे करूंगा और एंड में लिख दूंगा कि जो भी डिफरेंस आएगा दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में कि ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब उल्टा करना चाहो उल्टा भी कर सकते हो, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया, इट्स ओके, पर मैं लिख दूंगा एंड में ये लॉस ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई यहां पर, ये क्या है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कैंसिल होके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिर्फ C1 प्लस C2। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास ये पहली एनर्जी आ गई 2 LCM है, ये आपके पास नई एनर्जी आ गई, ये क्या हो गया, C1 प्लस C2, और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कैंसिल होके C1 प्लस C2। इन्हें माइनस करते हैं, LCM लो, 2 × C1 प्लस C2 LCM है, LCM में C1 प्लस C2 इससे और C1 प्लस C2 इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज। इस C1 V1 स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई किया, देखो C1 स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके C2 स्क्वायर हो गया, और ये A+B का होल स्क्वायर, A² B² + 2AB, नेगेटिव साइन है, सब टर्म्स नेगेटिव,
मतलब कहने का मतलब इन्हें आपने ओपन कर लिया पूरा। जब आपने इन्हें ओपन किया तो इस ओपन करते ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल। इन चार टर्म्स में से या इन तीन टर्म में से C1, C2 सब में कॉमन है। C1, C2 क्या निकाल लिया, कॉमन। तो कॉमन निकालने के बाद ये टर्म आ गई, तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको प्लीज फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करो, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो या तो फिर आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, फाइनल निकालनी पड़ती है, कॉमन पोटेंशियल निकालने पड़ते हैं, उनको माइनस करना पड़ता है, लंबा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आप सीधा लॉस ऑफ एनर्जी में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सीधा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अगर हम अपनी शीट पे चलें वापस,